फ्रेंड्स, अंदर आपको दिख रहा होगा कि रेड हॉट ये हो चुका है। ये काफ़ी लोड लेकर के हमारा बोर्ड जो है चलने की टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक LED बल्ब लगा देता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारा सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में है दोनों। मैं एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बड़ा ही यूजफुल प्रोजेक्ट बना करके दिखाने वाला हूँ, जो कि हर घर की ज़रूरत वाली प्रोजेक्ट साबित होगी। असल में यहाँ पर मैंने एक PVC सीट को काट करके अलग अलग टुकड़ों में, यानी कि 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा है। लंबाई आप इसकी जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके उस प्रोजेक्ट पर, जो कि प्रोजेक्ट आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पर मैं साइड से जो कॉर्नर्स लगेंगे उसको मैंने 4 सेंटीमीटर का डाइमेंशन दिया है। इसकी भी लंबाई मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी रखी है, जो कि बाद में मैं कट कर दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सैंड पेपर से घिस करके और एक फ्रेशनेस दे देते हैं, जिससे कि एक अच्छा लुक मिले, एक अच्छी बनावट मिले, दिखने में अच्छा लगे। 90 डिग्री पर रख करके साइड के कॉर्नर को मैं चिपका रहा हूँ। दोनों साइड से मैंने 90 डिग्री का एक एंगल दे दिया है PVC पाइप के टुकड़े के, यानी कि सीट के टुकड़े के सहायता से। साइड वाले तीन तरफ के जो कॉर्नर्स हैं उनको मैंने चिपका दिया है। अब इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है उसको काट करके हम निकाल देंगे, और फिर जो बाकी बचा हुआ है हिस्सा है उस पर भी हमने सीट को रख करके फेविक्विक की सहायता से चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स, नीचे का जो हिस्सा है वो बनकर रेडी है। ऊपर का जो सीट है उस पर हमने यहाँ पर सॉकेट्स को और एक स्विच और एक इंडिकेटर, एक होल्डर को रख करके मार्किंग कर लिया है। अब ये जो मार्किंग कर रहा हूँ, इसी मार्किंग वाले हिस्से को हमें काट करके निकाल देना है। और यहाँ पर 3 होल होंगे, तीनों होल से हम होल्डर को यहाँ पर होल्ड करने वाले हैं, कसने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक विधि बता रहा हूँ, आयरन की सहायता से, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से आप काट सकते हैं, हेक्सा ब्लेड से काट सकते हैं, एक ज्वेलरी सा कटर आता है जो कि वायर के माध्यम से काटता है, उससे भी काट सकते हैं। तो काटने की आपकी कोई भी विधि हो सकती है, बस फ्रेश काटना है जिससे कि अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मैंने आयरन की सहायता से काटा। अब तीन होल कर लेते हैं, जहाँ पर होल्डर को हम कसेंगे। अब काटने के बाद थोड़ा सा ये रफ दिख रहा है, तो उसको हम फाइल की सहायता से फ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पर ये फ्रेश हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो ये फ्रेश बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है। तो अब क्या करना है हमें, अब बारी आती है कि इसको हम ऊपर वाले सीट को कसेंगे कैसे, होल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी एक समस्या होती है। फेविक्विक से चिपका देते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग हैं फेविक्विक से चिपका देते हैं, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो खोलने में दिक्कत होती है। तो कुछ मैंने PVC पाइप के टुकड़ों को दो को जोड़ करके हमने यहाँ पर कॉर्नर और बीच में चिपकाने की व्यवस्था बना दी है, जहाँ पर हम होल करके ऊपर वाले सीट को कस देंगे स्क्रू की सहायता से। तो कॉर्नर के लिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एक कट किया हुआ है प्लास्टिक का टुकड़ा, और बीच में लगाने के लिए अर्धचंद्राकार स्थिति में हमने कट किया है प्लास्टिक के टुकड़ों को, और दो टुकड़ों को एक साथ चिपकाया ताकि मजबूती ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर हमने फेविक्विक की सहायता से उन सबको चिपका दिया है। अब बाद में जब चिपकाने की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें हम होल कर देंगे। वो होल आप ड्रिल मशीन से या फिर आयरन से किससे भी कर सकते हैं, बस पेंच से थोड़ा पतला होल होना चाहिए। अब बारी आती है पेंट करने की। तो हमने यहाँ पर जो पेंट मेरे पास अवेलेबल था उसी को मैंने यूज कर दिया। आपके पास जो पेंट हो उससे आप पेंट कर सकते हैं। तो ये भी पेंट काफ़ी अच्छा लगता है, ये कलर। तो हमने नीचे वाले हिस्से को पेंट कर दिया है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हम पेंट कर देते हैं फटाफट से। थोड़ा सा यहाँ पर रफ था तो उसको हमने कर दिया, ऊपर वाले को भी हम पेंट फटाफट से कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसको सुखाने की बारी है, तो बाहर रख देते हैं। और सूखने के बाद कुछ इस प्रकार का हमारा ये तैयार मिलता है, काफ़ी चमक आ गई है इसमें। तो अब जल्द से जल्द अब इसके ऊपर जितने भी ये सॉकेट्स हैं और फ्यूज हैं, फ्यूज नहीं स्विच और इंडिकेटर, इन सबको हम कस देते हैं, होल्डर को भी होल्ड कर देते हैं।
तो होल्डर को कसने के लिए मैंने तीन होल बनाए थे, लेकिन तीनों होलों के अलावा मुझे लगा कि शायद होल्डर उससे ऊपर दिखेगा, तो मैंने उसको निरस्त कर दिया, होलों को हमने बंद कर दिया और एक मोटा सा होल करके उसको होल्डर मैंने कस दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है। तो सॉकेट्स को हमने यहाँ पर कस दिया है, लगा दिया, उसके बाद हमने इसको कस भी दिया ताकि समय की बचत हो। वीडियो को मैंने थोड़ा सा कट किया और सारे पेच को, नट बोल्ट्स को मैंने टाइटली कस दिया है। अब आती है वायरिंग की बारी। तो वायरिंग थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो मैं एक वायर लगा रहा हूँ, ये सॉकेट्स हैं, उन सॉकेट्स के लेफ्ट साइड में मैं लगा रहा हूँ, और एक लेफ्ट साइड से जा करके राइट साइड में तार लगता है जो कि जा करके होल्डर पे डायरेक्टली चला जाता है। यही हमारा सीरीज हो जाएगा, ये सीरीज का काम करेगा, और एक स्विच से होकर के सारे कनेक्शंस आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो वायरिंग है एक साइड का हो गया, और दूसरा वायर भी हम इसमें लगा देते हैं। ये दूसरा जो वायर होगा इसको यहाँ से उठा करके और हमें डायरेक्टली ये जो हमारा दूसरा सिरा है सॉकेट का उस पर हम लगा देंगे। लगाने के बाद हमने वायरिंग कर दिया है, स्विच से होकर के कनेक्शन को हमने दे दिया जिससे कटआउट हो। स्विच वाला कनेक्शन मैं अभी समझा दूंगा, इंडिकेटर वाला। स्विच से इनपुट हुआ कनेक्शन जो होगा एक वो वाला आ जाएगा डायरेक्टली इंडिकेटर पे, और एक कॉमन जो होगा सब में जुड़ा है वो कॉमन आ जाएगा इंडिकेटर पे। तो हमारा वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी इजी वायरिंग है, या आप जब काम करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। एक को हमने लेफ्ट साइड में, एक राइट को लगा दिया है राइट साइड में, एक जो है सीरीज है सॉकेट से होल्डर में, और दूसरा आकर के सिरा चिपक जाता है, यानी कि कस देते हैं। यहाँ पर चिपकाना नहीं है, कसना है, कसने की व्यवस्था है, तो आकर के इंडिकेटर पर कस देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे बोर्ड का वायरिंग हो चुका है। अब बारी आती है बाहर से पेचों को लगाने की। तो हमने होल कर लिया था, अब पेच को हम यहाँ पर टाइटली कस लेते हैं। तो हमारा ये बोर्ड लगभग बनकर रेडी हो चुका है, एक लुक आप देख लीजिए, शानदार सा लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसके साथ जितने भी टेस्ट हैं वो टेस्ट हम करते हैं। चलिए फटाफट से अब इसके टेस्ट की बारी है, तो टेस्ट कर लेते हैं, सारे लोड दे करके टेस्ट करेंगे। इतना वायर लगाया हमने तो ये काफ़ी दूरी तक जा सकता है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। तो अब इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड ऑलरेडी है, तो इसमें हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं बिजली को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर जो है इंडिकेट कर रहा है कि इसमें करंट आ चुका है। अब यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच को ऑन कर देते हैं, और पहले ही हम यहाँ पर हमारे पास ब्लोअर है, तो इसी को हॉट गन को यहाँ पर हम चला करके देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोड से हम इसको चला करके टेस्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसको लगाते हैं और आप खुद देखिएगा। आप अंदर आपको दिख रहा होगा कि रेड हॉट ये हो चुका है, कि काफ़ी लोड लेकर के हमारा बोर्ड जो है चलने के लिए रेडी है। अब आपको एक और टेस्टिंग करके दिखाता हूँ यहाँ पर सीरीज का। तो सीरीज वाले सेक्शन में हमको, हमने इस प्लग को लगा दिया है, अब हमको इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक एलईडी बल्ब लगा देता हूँ, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारा सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में है दोनों। मैं देखिए हमारा ये सीरीज वाला सेक्शन भी काम कर रहा है। तो आप इस ढंग से एक शानदार सा एक्सटेंशन बोर्ड घर पर बना सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। कलर आप कोई भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये वाला कलर किया। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।